भाई। कितने हो इसके? 460। खैर वो आपका भाई नहीं छोटा, वो उधर पर कभी कचरा उठा रहा था, कभी क्या कभी क्या। अच्छा भाई, आखिर आपका माशाल्लाह से, आपका स्टोर भी माशाल्लाह से बड़ा है, इतनी तो है आपकी वर्क कर, मतलब करवा के उसको दे सकते हो। मैंने हालत देखी उसकी, आप उसको या तो रेडी लगा के दो, कुछ ना कुछ करके दो। मेरा भाई और इस हाल में? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। कहाँ था तू इतने टाइम? चल तुझे कारोबार करवाते थे तो, तेरे लिए इतना परेशान है, तुझे कोई एहसास नहीं है अपने घर वालों का, अपना भाई का, बाप का, माँ का। तुझे कारोबार करवा के क्या हाल बना लिया तूने अपना? चल मेरे साथ, उठ मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम अबू, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। मैंने अपना सारा बिजनेस ना
अपना छोटे भाई के नाम कर दिया है। अब मैं अपना दूसरा बिजनेस करूँगा जो कि सारा बिजनेस जीरो से स्टार्ट करूँगा। सलाम अलैकुम, क्या हाल है यार? तेरा भाई इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा हो और तू ये छोटी सी सब्जी की दुकान खोल के बैठा हो। बस भाई क्या करें, मेरे पास एक हल है अगर तू बोले तो। जी जी भाई बताओ। तू एक नंबर लिख, तू उसको मरवा दे, सारा कुछ तेरा हो जाए। अच्छा नंबर बता। जान ही छुटेगी नंबर। बोला तो सही है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खुद इतनी बड़ी दुकान और मुझे इतनी सी दुकान खुलवा के दे दी। हाँ भाई, तेरे काम के लिए निकल रहे हैं, तू पेमेंट लगा जल्द से जल्द। खैरियत आ जाबू की कार। अल्लाह खैर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, आज तुम्हारा भाई सारा बिजनेस तुम्हारे नाम करने जा रहा है। कब? और तुम टाइम से कोर्ट पहुंच जाना, हमेशा हर जगह लेट हो जाते थे तुम, इसी वजह से आज तुम्हारा ये हाल है। ये सही कह रहे हैं आप, और तुमने कभी भी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ली। ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। उठा यार कॉल। यार क्यों नहीं लग रही कॉल? पैसे की हवस और लालच अक्सर हमसे हमारे कीमती रिश्ते छीन लेती है। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या पता इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।